लॉकडाउन का 8वां दिन है और बिहार में कल के अपेक्षा 7 कोरोना के नए मरीज आने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तमाम प्रधान सचिवों के साथ और वरीय अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव ने बैठक की और उसके बाद मुख्यमंत्री ने तमाम वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की और पूरे मामले की समीक्षा की है। देखिए, बिहार में इस वक्त कल कोरोना के 16 मामले थे और आज सुबह जो स्थिति आई है वो बढ़कर 23 हो गई है। हालांकि आज जो जाँचें हुई उसमें कोई पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है, लेकिन कल की अपेक्षा 7 नए केस आ जाना काफ़ी बड़ी बात है और इसको लेकर बिहार में तैयारी समीक्षा की जा रही है कि आखिर किस स्तर पर चूक रह गई है और किस स्तर पर तैयारियों को बढ़ाना है। तो आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें यह निर्णय लिया गया है कि जितने बाहर से लोग आए हैं उनको पूरी तरह से जाँच की जाएगी और जो मरकज के मामले 86 मामले हैं उनको ATS को सौंप दिया गया है। ATS तलाश करेगी कि मरकज होकर जो 86 लोग आए थे वो कहाँ हैं, बिहार में हैं या बिहार से बाहर हैं। उसके अलावा जितने विदेशी लोग बिहार में ट्रेवल हिस्ट्री है उनकी री स्कैनिंग की जा रही है, फिर से जांच की जाएगी। कारण ऐसा है कि बिहार में जो निगेटिव पाए गए थे जिनकी फॉरेन हिस्ट्री थी वो उनके फिर पॉजिटिव एक आधे केस पाए गए हैं और बिहार सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह से सजग है। तो कोरोना को लेकर बिहार सरकार पूरे आज हाई अलर्ट में है। प्रशासनिक महकमे में, सरकारी महकमे में, मुख्यालय स्तर पर बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं और ये देखा जा रहा है कि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए जिससे कोई मामला न बढ़े। यानी 7 मामले बढ़ जाने से पूरी तरह से प्रशासन और सरकार हरकत में है। लॉकडाउन का जो असर है उनको लागू करने के लिए, लॉकडाउन को पूरी तरह से लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। जो गांवों में जो लोग पहुंच रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर गए हैं या जो लोग भी बाहर से आए हैं जिनकी फॉरेन हिस्ट्री है, उसको कोशिश की जा रही है कि उनको ये दिखाया जाए कि फिर से जाँच की जाए या उनको आइसोलेशन में रखा जाए। तो पूरी तरह से नई रणनीति पे काम हो रही है। ATS को लगा दिया गया है, लोगों पर निगाह रखी जा रही है और देखना यह है कि कोरोना के जो मरीज कल की अपेक्षा आज जो 7 मरीज बढ़े थे, हालांकि अभी तक आज जो रिसर्च आई है उसमें कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया है, लेकिन सरकार इसको रोकने के लिए या इसको नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से कवायद कर रही है।